अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक शॉपिंग ब्लॉग जो कि हम कर रहे हैं इम्तियाज़ स्टोर से, और यहाँ पे मैं आपको इनकी हैंडबैग्स की कलेक्शन दिखाऊंगी, बच्चों की हेयर एक्सेसरीज़ की, ज्वेलरी की, और जो है ओवरऑल इनका सारी प्राइजेस भी आपके साथ मैंशन करूँगी। और ये इनकी ईद की न्यू कलेक्शन है, तो यहाँ पर जो हैंड बैग्स हैं बहुत ही अच्छे कलरफुल से बैग्स अवेलेबल थे इनके पास, ठीक है, यूनिवर्सिटी के हवाले से भी, गर्ल्स के लिए और ईद के हवाले से भी, फॉर्मल वेयर भी, और ईद पे भी आप आराम से कैरी कर सकते हैं। इनके हैंडबैग्स मुझे ओवरऑल बहुत अच्छे लगे थे और डिफरेंट प्राइजेस में थे लेकिन सस्ते थे, 1100 से 2000 के दरमियान इनकी प्राइजेस थी। इससे ज़्यादा कोई भी हैंडबैग महंगा नहीं पड़ा हुआ था, ठीक है। एज़ इट इज़ ये भी जो पिंक और वाइट में मैंने आपको अभी दिखाया है ये 1300 में थे, ये जो ग्रीन में और ब्लैक दिखाया है मैंने ये भी 1500 में था। ओवरऑल इनके हैंडबैग्स बहुत अच्छे भी थे, बहुत अच्छे स्टाइलिश से थे, डिज़ाइन बहुत अच्छे थे और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। सबसे मज़े की बात यह है, अच्छा यहाँ पे बच्चों की ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सात सात सेक्शन थे तो मैंने बैग्स और ज्वेलरी दोनों को एक साथ ही कैप्चर किया। ये जो वाइट और ग्रीन में पड़ा हुआ है ये आपको 2000 में मिल रहा था। अच्छा यहाँ पर बच्चों की पोनीज, हेयर एक्सेसरीज, सब कुछ पेयर्स बनाए हुए थे इन्होंने, ठीक है, और बहुत ही रीज़नेबल थे। इसी तरह बैंगल्स थी, बैंगल्स भी 50 रुपीस में, 60 में, 150 में, 200 में अवेलेबल थे। अच्छा इसी तरह ये कीचेन्स थे, यहाँ पे कीचेन्स पड़े हुए थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे, 75-95 में अवेलेबल थे। हेयर बैंड्स थे, हेयर बैंड्स भी इसी तरह 50 रुपीस, पोनीस पड़ी हुई थी, हेयर पिंस पड़ी हुई थी, ये भी 150, 125, 140, 130 में अवेलेबल थे, 150 से अब कोई भी नहीं थी। इसी तरह ये भी हेयर एक्सेसरीज, पोनीज थी, इनमें डिफरेंट प्राइजेस थी, कोई 75 की थी, कोई 95 की थी, कोई 85 की थी, और सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थी। 150 के भी पूरे पैक्स यहाँ पर अवेलेबल थे, पोनीस के, हेयर बैंड्स के, कैचर्स के, ठीक है, और हर कलर में थे और स्टाइलिश भी थे, अच्छे थे। अच्छा यहाँ पे मैं अपने लिए रिंग्स देख रही थी और डिफरेंट डिफरेंट रेट्स थे, ये 349 में थी और इससे पहले वाली जो थी वो 225 में थी, और वो मुझे कहती है गोल्ड प्लेटेड और ये ख़राब नहीं होंगी, मतलब आप इसे पानी में भी डालेंगी ना तो भी आपकी ये रिंग्स ख़राब नहीं होंगी। इसी तरह ये बॉक्सेस बने हुए थे जिनमें रिस्ट वॉच, पेंडेंट और एयरिंग्स थे, तो इनकी जो प्राइजेस थे वो डिफरेंट थी, कोई 1100 में था, कोई 1500 में था, ये बिट एक्सपेंसिव मुझे लगे। इसी तरह मैंने ये अपने लिए दो एयरिंग्स के पेयर्स लिए थे जो कि मुझे रीज़नेबल लगे, एक 175 का था और एक 195 के था, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे इनकी जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी का सेक्शन, इनका बैग्स का सेक्शन और हेयर एक्सेसरीज का सेक्शन ओवरऑल बहुत अच्छा है, सस्ता है, रीज़नेबल है, बजट फ्रेंडली है। आप जाएँ, विज़िट करें, आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। ईद के हवाले से हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।